दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने राजधानी में देसी शराब की आपूर्ति के लिए जारी एक टेंडर को गुटबंदी के शक में रद्द कर दिया है। हाल ही में उपराज्यपाल द्वारा आबकारी नीति की सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। आपको बताएं, एक अधिकारी ने बुधवार को कहा कि विभाग ने 2022-23 में देसी शराब की आपूर्ति के लिए टेंडर रद्द कर दिया है, क्योंकि ये पाया गया है कि वो बोली लगाने वाले संदिग्ध रूप से उच्चतम बोली कम रखने के लिए अपने संसाधनों को इकट्ठा कर रहे थे। इस बीच इस बारे में अधिकारियों ने कहा है कि लगभग 3-4 कंपनियां जिन्हें भारत में निर्मित विदेशी शराब की खुदरा बिक्री के लिए लाइसेंस जारी किया गया था, आने वाले दिनों में कई मुद्दों पर दुकान बंद कर सकती है, जिससे शहर में शराब दुकानों की संख्या घटकर लगभग 400 तक आ सकती है। अधिकारी ने कहा कि शहर में देसी शराब की आपूर्ति के लिए उल्लिखित निविदा को अप्रैल में भी रद्द कर दिया गया था, क्योंकि बोली लगाने वालों ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। गौरतलब है कि आबकारी नीति 21-22 के तहत दिल्ली को 32 जोनों में विभाजित किया गया था, जिसमें 850 के लगभग दुकानों के माध्यम से खुदरा शराब बिक्री के लिए लाइसेंस जारी किया गया था। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी।